मंडला संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझे 6 बार यहाँ पर आशीर्वाद दिया है, परंतु जब 8वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो निरंतर जैसा राजनीतिक समीकरण है, हम कांग्रेस से लड़ते थे, बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आई, आज हम त्रिकोणी मुकाबले में लड़ते हैं। तो आप देखिए 14 में ओमकार जब लड़े थे उस समय हमने 1,10,000 वोट से उस समय हारे थे। मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीट आती है, जिसमें से सबसे अहम लोकसभा सीट मंडलवी मानी जाती है, और यहाँ से प्रत्याशी जो हैं फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। कल रिजल्ट आने वाला है, आज बस रात का वक्त है, क्या कहना है अपनी जीत को लेकर? देखिए मंडला संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझे 6 बार यहाँ पर आशीर्वाद दिया है। एक बार थोड़े कुछ वोटों से हम पीछे रह गए थे, परंतु जब 8वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो निरंतर जैसा राजनीतिक समीकरण है, हम कांग्रेस से लड़ते थे, बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आई, आज हम त्रिकोणी मुकाबले में लड़ते हैं, और निश्चित तौर से जब वोट का जो परसेंटेज है, तो आप देखिए 14 में ओमकार जब लड़े थे उस समय हमने 1,10,000 वोट से उस समय हारे जीते थे और वो हारे थे। 19 के चुनाव में लगभग 97,000 वोट से वो हारे कांग्रेस पार्टी, और उस समय देखिए जैसा कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उस समय 19 के चुनाव में वो कांग्रेस से लड़े, 14 के चुनाव में गोंडवाना से लड़े, तो ये वोट का बहुत बड़ा इजाफा नहीं था, केवल 10,000 वोट का अंतर था, परंतु जितना वोट उस समय गोंडवाना को मिला 1,41,000 वोट, 19 में केवल 43,000 वोट पाया। तो इस प्रकार का तस्वीर है गोंडवाना कांग्रेस का रहा है, और इसलिए हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कल परिणाम सामने आएंगे और फिर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और परिणाम सामने आ जाएंगे और जीत पक्की हो जाएगी, ये अनुमान हम लगाते हैं। वर्तमान में सोनिया गांधी ने जो टिकट अपनी करी है, एक बयान दिया है कि जितनी भी एग्जिट पोल है को लेकर वो सब उल्टे होने वाले हैं, इस पर क्या कहना? देखिए सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के अनुमानों पर विश्वास वो नहीं करते। एग्जैक्ट पोल हैं, इतने सारे देश भर के जो मीडिया है उनका अपना आकलन होता है, और आप देखिए हमेशा एकदम विपरीत हो ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत 19-20 अंतर आता है, ये बात सही है, परंतु उनके भी परिश्रम आकलन को हम बिल्कुल एकदम नकार नहीं सकते। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी देश के लिए आज सर्वोपरि नेता माने गए हैं, जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी क्षेत्रों में जो कुछ भी हुआ है, आज मोदी जी के नाम पर ये सारा वोट लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी, और जो वोट का परसेंटेज है अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा डाउन भी हुआ है, परंतु जो पिछले लोकसभा का जो प्रतिशत है और आज में बहुत कोई अंतर नहीं, केवल 5% का अंतर है, जैसे मंडला में 5% का अंतर है, आज यहाँ पर 72% पोलिंग हुआ है, इसके पहले 77% 19 में था, अगर 14 में देखें तो 66% था। तो इसलिए हम परसेंटेज से इतना बहुत आकलन नहीं कर सकते, जो वोट पड़ते हैं उसमें से निर्णय होता है, और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग या भारतीय जनता पार्टी जैसा निर्णय किया है या जो मैंडेट जिस प्रकार की अपेक्षा देश के लोगों से किया है, लगभग हम इसी के अनुरूप आएंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे ये तय है। वोट परसेंटेज की बात करें, आपने पिछले बार लगभग 97,000 से जीत हुई थी आपकी, इस बार क्या लग रहा है एक के पार? देखिए अब ये मैं आकलन तो नहीं बता पाऊँगा, परंतु बहुत अच्छी जीत होगी, क्योंकि जितना मैंने जो टोटल वोटिंग हुआ है आज 15,22,000 वोट पड़े हैं जो डाले गए हैं, पिछले टाइम भी 15 लाख थोड़ा लगभग 3.5 के आसपास था,
तो ये जरूर वोट का जो परसेंटेज कम हुआ है ये सही है, परंतु बहुत बड़ा इससे अंतर नहीं आएगा। आज एवरेज अगर देखेंगे पूरे देश के चुनाव हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, अगर एवरेज वोट का परसेंटेज देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में हम फर्स्ट राउंड में, मंडला की भी स्थिति को हम देख सकते हैं। जितना हमारा जो वोट हुआ है उसमें से एवरेज अगर मंडला का देखें और मध्य प्रदेश का, तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वोटिंग के पहले आप माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं यहाँ रहता हूँ तो सामान्य तौर से मैं आता हूँ, चूँकि मैं नर्मदा की गोद में पैदा हुआ और मेरा जो क्षेत्र है उद्गम से लेकर के आप नरसिंहपुर तक, बरमान घाट तक, ये पूरा अधिकांश हिस्सा नर्मदा जी का मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इसलिए मैं जब भी नर्मदा को पार करता हूँ या नर्मदा के आसपास जाता हूँ, किसी चाहे हमारे नरसिंहपुर का हो, सिवनी का हिस्सा हो, मंडला का हो या डिंडोरी का हो, मैं सभी घाटों में जब ऐसा कभी अवसर आता है तो मैं ज़रूर उनको प्रणाम करने ज़रूर आता हूँ। और इसलिए आरती का समय है तो आरती में जाता हूँ, पर ऐसी मैं नियमित तो नहीं आ सकता, परंतु बीच बीच में जब भी ऐसे अवसर आते हैं तो उस समय में ज़रूर। कैसी तैयारी है कल की? बाजे गाजे अभी एक प्रशिक्षण हमारा हुआ है, अभी बाकी विधानसभाओं के लोगों के साथ बैठना है, उनको हमने थोड़ा दिशा निर्देश जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं उस आधार पर बातचीत कर रहे हैं। एक अंतिम क्वेश्चन, अगर आप यहाँ से जीतते हैं दोबारा फिर से, तो क्या लग रहा है मोदी कैबिनेट में फिर से जगह मिलेगी? देखिए, ये तो बात का विषय है, क्या तय होता है वो तो देखेंगे, परंतु सरकार बनेगी ये तय है। ये थे फग्गन सिंह कुलस्ते, इनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही अगर जीत निश्चित होती है, और निश्चित ही है क्योंकि मंडला की जनता इन्हें ही दोबारा चुनकर लाएगी। बहरहाल, कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 मंडला।